2018 की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपको ये क्वेश्चन के सोल्यूशन अगर आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी बताएं, क्योंकि ये हमारा पर्पस है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का फायदा उठाएं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। पास आइए देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई जेड के रियल ऑफ जेड प्लस आई इमेजिनरी ऑफ जेड, एंड फॉर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के विल एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमारे पास इतना दिया हुआ तो के की किस वैल्यू के लिए हमारा कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और उन्होंने हमारे पास ये ऑप्शन में दे रखे हैं। तो जब भी अगर हमें कॉची रीमान इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो कॉची रीमान इक्वेशन में हमारे पास होता है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो पहले हम यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे और देखेंगे कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले फंक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, आपको गिवन है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया तो इसका रियल ऑफ z कितना होगा मेरे पास, दिस इज रियल ऑफ z हमारे पास होगा x और इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास होगा y। ठीक है, गिवन f ऑफ z हमारे पास है दिस इज आई जेड प्लस k रियल ऑफ z प्लस i इमेजिनरी ऑफ z। नाउ i हमारे पास z हमारे पास कितना होता है, दिस इज x प्लस आई वाई, रियल ऑफ z हमारे पास हमने कितना निकाला x प्लस i, इमेजिनरी ऑफ y कितना निकाला हमने y, और f ऑफ z हमारे पास कितना होता है u प्लस आई वी, दैट मीन्स u प्लस आई वी इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं रियल पार्ट को अलग कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। हमारे पास रियल पार्ट में कौन कौन देगा हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, दिस इज के एक्स माइनस वाई, एंड आई हमारे पास कौन कौन देगा एक्स प्लस वाई, दोनों को इक्वेट करें तो यू इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स के एक्स माइनस वाई और बी आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज के, डेल यू बाय डेल वाई हमारे पास कितना आ रहा है माइनस वन, डेल बी बाय डेल एक्स कितना हमारे पास आ रहा है वन, और डेल बी बाय डेल वाई कितना हमारे पास आ रहा है वन। तो बाय कॉची रीमान इक्वेशन बाय सीआर इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स होता है हमारे पास डेल बी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास होता है डेल बी बाय डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल एक्स में के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज के इक्वल टू वन, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू इसमें वन आना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, दिस इज बी, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है दिस इज योर बी। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन f of x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ab देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ज़ाई इन द इंटरवल सच दैट a टू b f of x dx हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान देंगे ये एक्चुअली हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है जो इंटीग्रल के अंदर हम यूज करते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई जाए किसी क्लोज इंटरवल ab में अगर हमारा लाई करता है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रल a टू b f(x) dx इक्वल टू f ऑफ जाए होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट्स के थ्रू ही अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, वी नो दैट बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल इफ झाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी देन वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा होता है एफ ऑफ झाई, दैट मीन्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमको जो मिलेगा वो एफ
इंटू बी माइनस ए, यानी कि इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन लेक्चर्स में मैंने आपको सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास और भी कौन से क्वेश्चन जो गेट 2018 में मैकेनिकल फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए हैं आपसे। वेट करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आपके सामने आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।